नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एजुकेशन के 86 में। रुख करते हैं बिहार की तरफ। चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, सपोर्ट करें और साथ ही साथ इसके वीडियो को शेयर करें। दोस्तों आप सभी को मैं बता दूं कि बिहार एसएससी की तरफ से एडवर्टाइजमेंट संख्या 3/2019 की अपडेट दी गई है। रिजल्ट आ चुका है, परिणाम घोषित किए जा चुके हैं, लेकिन क्या ये नोटिफिकेशन आया है आपके लिए, ये जानना जरूरी है। तो चलिए मैं आपको सीधे इसके ऑफिशियल वेबसाइट पर लेकर चलना चाहता हूँ, जहाँ से इसके बारे में सारी जानकारी आपको अप टू डेट की गई है। हम हैं बिहार एसएससी के ऑफिशियल वेबसाइट पे, जहाँ से मैंने लिंक अपडेट किया है नीचे डिस्क्रिप्शन में। एडवर्टाइजमेंट संख्या है 3/2019 का, ये है राज्य भाषा सहायक उर्दू को लेकर। क्लिक करते हैं इस पे और डाउनलोड कर लेते हैं। यहाँ पे दोस्तों आपको बता दें कि विज्ञापन संख्या 3/2019 को लेकर पद राज्य भाषा उर्दू सहायक को लेकर यहाँ पे एक अपडेट दी गई है। ये अपडेट है दोस्तों, उन सभी अभ्यर्थियों को सूचित किया जाता है कि उक्त विज्ञापन हेतु यहाँ पे आयोजित लिखित परीक्षा और काउंसलिंग के हेतु यहाँ पर दोस्तों, जी हाँ, उपरांत 9 अभ्यर्थियों का अंतिम मेघा सूची अंतिम रूपेण से सफल घोषित किया जाता है। मैं आपको बता दूं कि इसके पहले भी इस नोटिफिकेशन का रिजल्ट दिया जा चुका है, लेकिन एक बार फिर से आपको यहाँ पे 24 तारीख के अपडेट में दिया गया है दोस्तों कुछ सफल अभ्यर्थियों का रिजल्ट। ये क्या है आप समझ सकते हैं, मैं बोलना नहीं चाहूँगा, ठीक है। और जिनके अनुक्रमांक कुछ इस तरह से हैं, यहाँ पे अपडेट किए गए हैं जिनके अनुक्रमांक आरोही क्रम में बाएं से दाएं की तरफ में वर्णित हैं। टोटल 9 अभ्यर्थियों का ये अपडेट हम आप तक साझा कर रहे हैं इस वीडियो के माध्यम से। पद है राज्य भाषा का सहायक उर्दू का। दोस्तों यहाँ से ये छोटा सा अपडेट था, लेकिन बिहार एसएससी को लेकर अगर हम बात करें तो 24 तारीख को एक और अपडेट दिया गया है फार्मासिस्ट के लिए। ये वैकेंसी का रिजल्ट है दोस्तों उन छात्रों के लिए जो कि कुल 12 ऐसे अभ्यर्थी हैं जिनका कि चयन किया गया है, यानी कि परिणाम घोषित किया गया है। विज्ञापन संख्या है 0606। पद है दोस्तों फार्मासिस्ट का। सभी अभ्यर्थियों को सूचित किया जाता है कि उक्त विज्ञापन हेतु यहाँ पे आयोजित लिखित परीक्षा काउंसलिंग एवं साक्षात्कार के उपरांत 12 अभ्यर्थियों का अंतिम रूपेण यहाँ पे सफल इनको घोषित किया जाता है, इसलिए इनका अनुक्रमांक आरोही क्रम में बाएं से दाएं क्रम में लगाया गया है। तो आप अपना रिजल्ट देख सकते हैं। मैं उन अभ्यर्थियों की बात करता हूं दोस्तों जो कि यहां पे सफल घोषित हुए हैं। जी हां, ये टोटल 12 अभ्यर्थी यहां पे हैं। एडवर्टाइजमेंट संख्या यहां पे आप लोग नोट कर सकते हैं 0606 सन 2006 अपडेटेड है दोस्तों। ये एक्चुअली 2016 की अपडेट है। मैं आपको बता दूँ कि ये वैकेंसी 2019 की है। आपको मैं अपडेट कर दूं कि यहाँ पे 12 लोगों की फाइनली सिलेक्शन की गई है जो कि फार्मासिस्ट के लिए अपडेट दिए गए हैं दोस्तों। ये टोटल 12 लोगों का नोटिफिकेशन यहाँ पे जारी कर दिया गया है। तो आज के इस वीडियो के माध्यम से मैंने अपडेट किए हैं आपको 2 रिजल्ट। एक है आपका राज्य भाषा उर्दू सहायक को लेकर, एक है रिजल्ट आपका, जी हाँ दोस्तों, यहाँ पे कर्मचारी आयोग की तरफ से, जी हाँ दोस्तों, फार्मासिस्ट की रिक्रूटमेंट को लेकर। तो ये 2 नोटिफिकेशन के अपडेट हमने आप तक साझा किए हैं 24 तारीख के अपडेट में। अब अपडेट जो भी नया आता है आपको मैं अपडेट कर देता हूं अपने चैनल के माध्यम से, लेकिन कल बीपीएससी को लेकर सारा अपडेट देना था इसलिए कुछ अपडेट रह गए थे, इसलिए ये अपडेट आपके लिए। दोस्तों अगर आप बिहार से रिलेटेड अपनी परीक्षाओं की तैयारी करें, जैसे कि बिहार दरोगा, बीपीएससी या फिर फायरमैन की तैयारी कर रहे हैं, तो आप हमारे चैनल YT एजुकेशन को भी सब्सक्राइब कर सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, आप हमारे चैनल YT एजुकेशन को सब्सक्राइब कीजिए बेल आइकन दबा के, ताकि हर वीडियो का नोटिफिकेशन वहाँ से आपको जा सके। सुबह के 10 बजे लूसेंट स्पेशल सीरीज चलाया जा रहा है जो कि आपके बिहार दरोगा, बीपीएससी को भी कवर करता है, साथ ही साथ आपके बिहार के किसी भी सिपाही परीक्षा को भी कवर करेगा। 1 बजे करेंट अफेयर का सिनारी चलाया जा रहा है जो कि खासकर बिहार दरोगा और बीपीएससी के करेंट अफेयर डेली बेसिस पे आपको दिए जा रहे हैं। मैंने आपको फरवरी से लेकर अगस्त तक का वन लाइनर क्वेश्चन अप्लीकेशन पे दे दिया है, आप उसको पढ़ जाइए, लेटेस्ट अपडेट है वो आपके परीक्षा को लेकर। वो अप्लीकेशन के आप जाके डाउनलोड कर सकते हैं, सारे PDF को पढ़ भी सकते हैं। अपडेटेड है दोस्तों यहाँ से सारी जानकारी, लेकिन मैं आपको यहाँ से एक अपडेट और देना चाहूँगा जो कि अगर आप हमारे चैनल YT एजुकेशन पे आते हैं तो शाम को 8 बजे आपको एक अपडेट मिलता है बिहार सिपाही को लेकर, जो कि आपको अपडेट दिया जाता है दोस्तों, जो कि आपके परीक्षा को लेकर ये सारा अपडेट आप तक साझा किया जा रहा है। तो बिहार दरोगा के लेकर शाम को 8 बजे मॉक टेस्ट लगाइए हमारे साथ मिलकर,
ऑल द बेस्ट, मिलेंगे आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, ध्यान रखिएगा अपना और अपने परिवार का, जय हिंद, जय भारत, जय बिहार।